हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। ओरल रिलेटेड यानी कि मुंह से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामने हमें हर रोज़ करना पड़ता है। उन्हीं में से एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है मसूड़ों का नीचे जाना यानी कि गम रिसेशन की प्रॉब्लम। दांतों से मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं, इसी को गम रिसेशन बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर से इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों ये गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है और क्या घर पर ये हम मसूड़े के नीचे जाने को रोक सकते हैं, और अगर रोक सकते हैं तो किस तरीके से, कौन सी होम रेमेडी है जिसकी मदद से हम हमारे गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मतलब किसी भी कारण से ये प्रॉब्लम घर पर सॉल्व नहीं होती है तो डेंटिस्ट इसका क्या इलाज करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेलो डॉक्टर, डॉक्टर हमारा जो पहला सवाल है वो यही है कि क्या घर पर ही हम गम रिसेशन को यानी कि मसूड़े के नीचे जाने को रोक सकते हैं? जी, गम रिसेशन यानी कि मसूड़ों का नीचे जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के कम होती है ये प्रॉब्लम, कुछ लोगों के ज़्यादा होती है। अगर आप घर पर ही इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले तो इसके कारणों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कारण पता होगा तो आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इससे बच सकते हो। और साथ ही साथ कारणों को एलिमिनेट करके यानी कि उनको हटा कर आप इस परेशानी से छुटकारा भी पा सकते हो। तो पहली जो चीज़ है वो है कि आपको अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग अपने दांतों को अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, दो टाइम ब्रश नहीं करते हैं, उन लोगों के अक्सर गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर रात को सोने से पहले रेगुलर बेसिस पे आप ब्रश करते हो, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करते हो, तो आप मसूड़ों को नीचे जाने से रोक सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है, ब्रश तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ब्रशिंग के साथ फ्लॉस करना इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी जब हम ब्रश करते हैं तो हमारी जो सरफेसेस होती हैं वो तो क्लीन हो जाती हैं, लेकिन जो दो दांतों के बीच का जो पतला सा जो स्पेस होता है जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, वहाँ पे खाना है वो फंसा हुआ रह जाता है और फिर वो बढ़ता जाता है। पर डे वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके गम्स में पहुँच जाता है, और जैसे ही गम्स में जाएगा वहाँ पे टार्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और टार्टर है वो धीरे धीरे गम्स को आपके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनसे हटाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जड़ें हैं वो दिखने लग जाती है। तो आपको फ्लोस रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर आप फ्लोस करोगे साथ में तो आपके टार्टर नहीं जमेगा, मसूड़ों में कोई भी खाना या कोई भी पस नहीं बनेगी, और इससे आपके गम रिसेशन की समस्या से भी आप बच सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। तो ब्रश एंड फ्लोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ जब भी आप कुछ खाना खाते हो तुरंत आपको कुल्ले करने चाहिए। अगर आप कुल्ले मतलब घर पे हो तो आप नमक के पानी से कुल्ले कर लीजिए। नमक में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो वो क्या करता है, आपके गम्स की इन्फ्लामेशन को दूर करता है, और जो दांतों या मसूड़ों में मौजूद जो खराब बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपके मतलब जो मसूड़ों में सूजन हो जाती है, पस बन जाती है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। ये तो है ही। तो इसके साथ ही अगर आप घर पर ही अपने मसूड़ों को नीचे जाने से रोकना चाहते हो तो सबसे अच्छा एक घरेलू उपाय है, वो है कि मसूड़ों की अच्छे से मसाज करना। मसूड़ों की मसाज के लिए आप नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा सरसों का तेल भी, सरसों का तेल थोड़ा सा हार्ड होता है तो मैं गम्स के लिए थोड़ा प्रेफर कम करती हूँ, तो इसकी जगह आप ओलिव ऑयल भी ले सकते हो। उसको अपनी उंगली पे लगाइए या फिर आप गम्स पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, फिर अप टू डाउन, डाउन टू अप, कम से कम 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए। अगर रेगुलर बेसिस पे मसाज करते हो तो एक तो आपके जो मसूड़ों के अंदर पस बनी है जिसकी वजह से आपके मसूड़े जो दांतों की जड़ें होती है उससे हटते जाते हैं, वो सही होते हैं, वो निकल जाते हैं। निकलेंगे तो क्या होगा कि मसूड़े हैं वो फिर से आपके दांत को पकड़ लेंगे और आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से मसाज नहीं किए, पस उसके अंदर बनी रहेगी, तो क्या होगी, धीरे धीरे वो आपके जड़ें हैं वो हटाने लग जाती है।
दूसरा क्या होता है कि ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका होता है गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ऑयल पुलिंग में आप नारियल का तेल ले सकते हो, तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर आप ओलिव ऑयल भी ले सकते हो। ये प्रोसेस आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप डेली रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। इससे भी आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है वो भी ठीक होता है, दांत में कोई इन्फेक्शन है वो भी दूर होता है। तो आपको इसके करना कैसे है, ऑयल पुलिंग पे वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे थोड़ा सा दो दो चम्मच आप ऑयल लीजिए और उसको मुंह में अच्छे से घुमा लीजिए। मुंह में कुछ देर तक घुमाने के बाद उसको थूक दीजिए, फिर लीजिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए, इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे आपके दांतों और मसूड़े में फंसे हुए जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी खराब चीज़ें हैं वो चिपक के बाहर निकल आएगी और आपके मसूड़ों को रिलैक्स फील होगा। और ये जो प्रोसेस होता है जो गम रिसेशन का, कि गम अपनी जगह से हटते जा रहे, वो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो इससे भी आप गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। इसके अलावा आप लहसुन, लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। लहसुन का पेस्ट बनाकर उसमें हल्की सी हल्दी और हल्का सा थोड़ा सा नमक ऐड करके आप ये जो पेस्ट होता है उसको अपने गम्स पे लगा के छोड़ दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद उससे कुल्ले कर लीजिए। ये भी आपके गम रिसेशन को घर पे ही ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो लहसुन का पेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है गम रिसेशन की समस्या को दूर करने के लिए। इसके अलावा है नीम। नीम में भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में भी नीम का दांतों को महत्व दिया जाता है क्योंकि ये दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप नीम की पत्तियों को उबाल कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट में हल्की सी हल्दी और नमक मिला के आप अपने मसूड़ों पे अप्लाई करके 15 मिनट छोड़ दीजिए। इससे भी आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो ये जो होम रेमेडी बताई है इनको आप एक मतलब वन बाय वन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर सारी एक साथ ही करो। इनमें से कोई भी आपको जो बेस्ट लगे वो आप ये कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके गम रिसेशन के प्रॉब्लम को आप घर पे दूर कर थैंक यू सकते हो। सो मच डॉक्टर, आपने जी बहुत अच्छे से बताया कि घर पर हम कैसे गम रिसेशन को ठीक कर सकते हैं होम रेमेडी के थ्रू। लेकिन अगर किसी कारण से मतलब घरेलू इलाज काम नहीं करे तो ऐसे सिचुएशन में डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और क्या डेंटिस्ट जब हमारी मतलब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पूरा अच्छे से सही हो जाता है, और क्या फिर से जो गम्स है वो अपनी जगह पे आ जाते हैं? जी, अगर नॉर्मल गम रिसेशन है तो आप इसको घर पर ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर एडवांस सिचुएशन में चला गया है या फिर आप अच्छे से होम रेमेडी नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। डॉक्टर क्या करेंगे कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि स्केलिंग हो गई, रूट प्लानिंग हो गई, उसके जरिए आपके गम्स के अंदर के जितने भी पस या टाटर है उसको निकाल देंगे। और जब अंदर का जो पस निकल जाएगा तो जो गम्स है वो उठे हुए वो आपके मसूड़ों मतलब ये दांतों को अच्छे से पकड़ लेंगे, और अच्छे से जब पकड़ेंगे तो वो मजबूती से पकड़ेंगे और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे कि आपने एक सवाल पूछा कि क्या मतलब फिर से मसूड़े वापस आ जाएंगे, तो आपके साथ साथ में हमारे व्यूवर्स को भी बता देना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचते हो कि गम मतलब स्केलिंग या रूट प्लानिंग या कोई भी ट्रीटमेंट करने से आपके गए हुए मसूड़े फिर से आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो चले गए हैं वो वहीं तक रह जाएंगे और ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। ये होता है अगर आपको फिर से चाहते हो कि आपके गम्स वगैरह आ जाए तो इसके लिए कुछ सर्जिकल प्रोसेस होता है जैसे कि गम ग्राफ्टिंग हो गई, गम सर्जरी हो गई, इनकी मदद से थोड़े बहुत मसूड़े हम फिर से लेके आ सकते हैं। लेकिन स्केलिंग, रूट प्लानिंग यानी कि रूटीन जो ट्रीटमेंट होता है इनसे आपके वापस मसूड़े नहीं आते हैं, जहाँ हैं वहीं स्टॉप हो जाते हैं, जिससे आपके दांतों का हिलना कम हो जाता है और ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो आपके दांतों में जो स्मेल आती है, प्लाक जो जमा होता है वो ठीक हो जाता है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि आपके मसूड़े हैं वो फिर से आ जाएंगे। आई होप कि आपको भी समझ में डॉक्टर आया आपने होगा। बहुत अच्छे से जी समझाया है। मेरे को एक सवाल और पूछना है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारे आगे चल के गम रिसेशन की प्रॉब्लम जी ना हो? बचने की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्रश करते हो तो ब्रश कीजिए, कुछ भी खाना खाते हो तो तुरंत कुल्ले कीजिए, जितने भी जंक फूड्स वाला जो खाना आता है, स्टिकी जो खाना होता है उसको जितना हो सके उतना उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि
क्योंकि अगर आप जंक फूड्स खाते रहोगे तो आपके दांतों पे जमा होता रहेगा और प्लाक से टार्टर में कन्वर्ट होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके गम्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है। साथ ही हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए। रूटीन, अगर आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है तो रूटीन क्लीनिंग करवा लीजिए, जिससे क्या होता है हल्का अगर प्लाक जमा है तो वो भी निकल जाएगा, जिससे आपके पास नहीं बनेगी, आगे टाटर नहीं जमा होगा और आपके मसूड़े नहीं टूटेंगे। साथ ही हफ्ते में एक बार ऑयल पुलिंग करोगे तो उससे भी आपके ये जो प्रॉब्लम है गम रिसेसन की वो नहीं होगी। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है। बहुत बार ये देखा गया है कि ब्रश तो यूज़ करते हैं लेकिन ब्रश के जो ब्रिस्टल होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो उससे आपके मसूड़े हैं वो टूटते हैं। इसलिए हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करो, और साथ ही साथ 3 महीने में ब्रश आपको चेंज करना है, क्योंकि अगर 3 महीने बाद उसको यूज़ करते रहोगे तो उसमें एक बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो ब्रिस्टल भी हार्ड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे, केयर करोगे, तो इससे भी आपके गम रिसेसन की प्रॉब्लम से आप हमेशा के लिए बच सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से गम रिसेशन को समझाया है, मुझे तो ये बिल्कुल समझ में आ गया है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आप लोगों को भी कि मसूड़े के नीचे जाने को हम कैसे घर पर रोक सकते हैं, कैसे डेंटिस्ट इसका ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।